हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीएस साइंस क्लासेस कठुमर में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने, लास्ट क्लास में हमने अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा था। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पढ़ा था और उस पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपके और समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए तो अपन कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर ही, और ये हमारा पार्ट नंबर 14 है। क्लियर है बच्चों? ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। तो आपसे कह रहा है कि 20 माइक्रो कूलाम के समान आवेश, 20 माइक्रो कूलाम के समान आवेश, समान मतलब इनका नेचर एक जैसा है, इनकी प्रकृति समान है। तो 20 माइक्रो कूलाम के समान आवेश, ठीक है, समान आवेश का मतलब क्या हुआ कि भाई सबका मान 20 माइक्रो कूलाम है और सब एक जैसे हैं, नेचर इनका एक जैसा है, प्रकृति धनात्मक ऋणात्मक एक जैसी है। तो समान आवेश एक्स अक्ष पर 0, 2, 4, 8, 16 सेंटीमीटर पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। ठीक है, ये दूरी आपको दे दी, एक्स बराबर 0, 2, 4, 8, 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हमारे पास यहाँ आवेश है, 5 कण हमारे पास है। तो 0, 2, 4, 8 और 16 सेंटीमीटर पर स्थित है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है उस पर परिणामी बल निकालो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो, परिणामी बल ज्ञात करो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आप सॉल्व करें, और मेरे कराने से पहले इसको आप सॉल्व करके देख लें, वीडियो को पॉज कर दिया करो। ठीक है ना, पॉज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। तो चलो देखते हैं किसका सही होगा। तो कह रहा है 20 माइक्रो कूलाम के समान आवेश एक्स अक्ष पर 0, 2, 4, 8, 16 सेंटीमीटर पर स्थित है, और 2 सेंटीमीटर पर कोई आवेश है उस पर हमें क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है। तो बिल्कुल आप किसके नियम से करोगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से हम करेंगे। तो बच्चों ऐसा करते हैं, हम पहले एक्स अक्ष बना लें। ये लो, ये मैंने एक्स अक्ष बना लिया। ये मेरा एक्स अक्ष है, ठीक है भाई, एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष की बात हो रही है। तो कह रहा है 0 पर रखा हुआ है, 2 पे रखा हुआ है, 4 सभी सेंटीमीटर में है। तो मैं ऐसे मान लेता हूं भाई, यहां तो देखो भाई एक्स बराबर 0 है, यहां एक्स इज इक्वल टू 2 है, ऐसे यहां पर मैं इसको मान लेता हूं भाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सारे मान किसमें है, सेंटीमीटर में आपको दे रखे हैं। ऐसे मान लो एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमें दे दिया, और यहां मैं मान लेता हूं एक्स इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? तो कह रहे हैं इन पर आवेश रखे हुए हैं 20 माइक्रो कूलाम। तो हम ये मान लेते हैं कि सारे 20 माइक्रो कूलाम के हैं, तो अपन मान लेते हैं कि क्यू इज इक्वल टू कितना है भाई, 20 माइक्रो कूलाम। ठीक है ना, और इसको भी मैं नाम दे दूं कि भाई ओ ए बी सी डी, ये पॉइंट हमारे पास है। तो सभी पर क्यू रखा हुआ है, ठीक है, मैं 20 20 लिखने की बजाय मैं क्यू लिख रहा हूं। यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू, यहां पर भी क्यू। क्लियर है बच्चों? दिक्कत कोई भाई, एक्स अक्ष हमने मान लिया, ये कुछ दूरियां हमने दिखा दी 0, 2, 4, 8, 16, और कह रहा है कि 20 माइक्रो कूलाम के आवेश है, इसको मैंने क्यू मान लिया, और कह रहा कि अब 2 सेंटीमीटर पर, इस x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर जो आवेश है
उस पर परिणामी बल बताओ। तो ढूंढो दो का है तो ये ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर आपको परिणामी बल बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप अध्यारोपण के सिद्धांत से ही करेंगे, और हमें दिशा का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई हम ये मूल बिंदु है तो हम एक्स अक्ष की दिशा में चलेंगे, तो मान लो एकांक सदिश आई कैप मान लिया, एक्स कैप भी मान सकते हो। और अगर आपको इधर चलना होगा, बल की दिशा इधर होगी, तो उसको बच्चों मैं क्या मान लूंगा, माइनस आई कैप उसे मैं मान लूंगा। ये बल की दिशा के लिए एकांक सदिश हमने कंसिडर कर लिया, अब एक्स कैप आर कैप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमें हमारे दिमाग में होता है कि एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप, ऐसे ही माइनस एक्स में माइनस आई कैप। क्लियर है बच्चों? अब देखो दो तरीके हैं इसमें, या तो आप इसी में आपको सभी फोर्स दिखा दो कि भाई इस वाले आवेश पर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी सब फोर्स लगाएंगे सभी आवेश, या फिर आप अलग अलग करके भी दिखा सकते हो। ठीक है ना, तो चलो मैं एक बार अलग अलग करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें ध्यान दो, ए पर रखा हुआ आवेश है तो ए पर ये वाला भी फोर्स लगाएगा। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ कि पहले फोर्स कौन लगाएगा, तो ये हो गया बच्चों ए, ये हो गया मेरे पास ओ ए, ओ और ए। तो ए पर रखा हुआ चार्ज है मेरे पास भाई क्यू, यहां पर भी क्या रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो दूरी काम आएगी ना, ओ जीरो पर है, ए दो सेंटीमीटर पर है, तो भाई दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दो सेंटीमीटर है, तो फोर्स लगेगा। कूलम्ब के नियम से हम फोर्स निकाल सकते हैं, ए पर ओ के कारण फोर्स निकालेंगे। तो ऐसे ही ए पर जितने भी चार्ज इसके अलावा है इस निकाय में, उन सभी आवेशों के कारण हम बल निकालेंगे, और उसका हम वेक्टर सम करेंगे, सदिश योग करेंगे। तो चलो ठीक है, ए पर हमारा क्यू आवेश रखा हुआ है, ओ पर क्यू रखा हुआ है, तो बताओ भाई बल किस पे लग रहा है। आप कहोगे सर बल ए पे लग रहा है, तो जिस पे बल लगेगा वही गति करेगा, वही पास या दूर जाएगा, बताओ पास आएगा दूर जाएगा। सर क्वेश्चन में क्या है, समान आवेश है, समान का मतलब इनकी प्रकृति, इनका नेचर वो समान है, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो बच्चों ए पर जो फोर्स लगेगा, तो बताओ ये पास जाएगा दूर, आप कहोगे सर बिल्कुल दूर जाएगा, तो इसको मैं नाम दे देता हूं कि भाई ए पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, ओ के कारण, ऐसे नाम दे दिया हमने इसको एफ ए ओ। ठीक है ना, तो अब इसकी डायरेक्शन भी आपको पता है कि इधर लग रहा है आई कैप दिशा में, तो इसका मान भी निकाल लें हम, तो भाई एफ ए ओ का मतलब के, ठीक है, क्यू वन क्यू टू, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर। अब बच्चों मान हम एक साथ रख देंगे, ठीक है ना, दूरी ओ ए, तो ओ ए का क्या हो गया बच्चों स्क्वायर, तो कूलम्ब के नियम से के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी आई कैप, इक्वेशन नंबर वन। बोलो आई की नहीं बात समझ में, तो मैंने ए पर ओ के कारण क्या निकाल दिया, फोर्स निकाल दिया, इक्वेशन नंबर क्या आ गई वन। चलो भाई अब दूसरी बात करें, ठीक है ना, अब ओ ए का मान भी रख सकते हैं दो सेंटीमीटर, क्लियर है। ऐसे मान लो हम ए पर बी के कारण निकालें, तो आपको पता है भाई ये हमारा चलो हो गया ए, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास बी। तो बच्चों यहां भी क्यू रखा हुआ है, यहां भी क्यू रखा हुआ है, ए और बी के बीच में दूरी लेनी पड़ेगी, तो ए दो सेंटीमीटर पर है, बी चार सेंटीमीटर पर है, तो ए भी कितना बचा, ये भी बचा दो सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो ओ ए भी दो सेंटीमीटर है और ए बी भी दो सेंटीमीटर है। बल किस पे लगेगा, बल ए पे लगेगा, किसके कारण, बी के कारण, तो ये से दूर जाएगा, यानी बल अब इस दिशा में लगेगा। तो बच्चों इसको डायरेक्शन मैंने क्या मान लेता हूं, एफ ए बी, कि भाई ए पर लग रहा है किसके कारण, बी के कारण, क्योंकि बल इसमें लग रहा है, तो इसके पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल प्रतिकर्षण बल है तो दूर जाएगा, यानी माइनस आई कैप में लगेगा। तो आप क्या लिख सकते हो इसकी वैल्यू, कि एफ ए बी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन दूरी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, इधर अपन ले रहे हैं माइनस आई कैप, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है ना, इधर फोर्स लग रहा है माइनस आई कैप, ठीक है, बाकी दो भी हम निकाल सकते हैं। अब बचा सी और डी, तो थर्ड पॉइंट मैं इसमें ले रहा हूं, कौन फोर्स लगा रहा है,
तो इस बार भाई ए है और ये मान लो सी हो गया, ए और सी, ठीक है ना। समझाने के लिए छोटा सा बना दिया मैंने, दूरी तो आपको दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल आपको पता है भाई ए पर भी क्यू है सी पर भी क्यू है। ए सी कितना है देखो, ए तो है 2 पर, सी है 8 पर, कितना बचा 6 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। फोर्स किस पर लगेगा, ए पर लगेगा, किसके कारण लगेगा, सी के कारण लगेगा। तो ये जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी, माइनस आई कैप डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, इससे दूर जाएगा, रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इसको हमने क्या मान लिया, एफ ए सी, क्लियर है। तो एफ ए सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो एफ ए सी विल बी के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए सी स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस आई कैप, क्लियर है। इक्वेशन नंबर थर्ड, और लास्ट हो गए सारे, नहीं हुए अभी डी वाला बच रहा है, तो हम डी वाले को भी ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो भाई हमारा ये ए है और ये मान लो डी है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है, क्लियर है। तो ए पर डी के कारण दूरी कितनी है, ये 2 पर है, ये 16 पर है, तो 2 और 16 तो कितना बचा, 14 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो फोर्स लगेगा इधर, क्योंकि ये इससे दूर जाएगा। तो वही बात, तो एफ ए डी इसको हमने मान लिया, क्या मान लिया, एफ ए डी। तो बच्चों एफ ए डी की वैल्यू क्या होगी, कि क्यू वन क्यू टू अपॉन ए डी स्क्वायर, और ये डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप, इक्वेशन नंबर 4, क्लियर है। तो चाहे आप एक साथ भी कर सकते हो, आप चाहे पूरी इक्वेशन लिख सकते हो, या फिर अलग अलग भी आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारे पास 5 आवेश थे, और एक आवेश पर हमने बाकी के 4 आवेशों के कारण बल निकाल लिया है दिशा के साथ। अब हम इसका क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, जिससे हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा, परिणामी बल आएगा, क्लियर है। तो तैयार है हम जोड़ने को सभी को, तो चलो क्वेश्चन आपने लिख लिया है, ठीक है। तो इसको मैं यहां से थोड़ा साफ कर देता हूं, तो टोटल बल, अब देखो बलों का मान रखेंगे तो दिशा उसके साथ हमें मिल जाएगी, आते हैं, ठीक है, आते हैं परिणामी बल। तो हमें जो फोर्स निकालना था वो ए पर निकालना था, तो इसको चलो मैं एफ ए मान लेता हूं। परिणामी बल क्या होगा, सभी बलों का सदिश योग, यानी एफ ए ओ प्लस एफ ए बी प्लस एफ ए सी प्लस एफ ए डी, क्लियर है। तो हमने सभी बलों को यहां लिख दिया है, अब हम सभी की वैल्यूज रखेंगे, ओके, विद डायरेक्शन, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर सम। चलो हम सबका मान रखें, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, एफ ए इज इक्वल टू, तो एफ ए ओ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ओ ए स्क्वायर आई कैप, ठीक है बच्चों। यदि वो सब माइनस में है तो मैं माइनस लिख रहा हूं, तो माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर आई कैप, क्योंकि आई कैप किस में था, माइनस में। ऐसे माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर माइनस आई कैप, ए बी माइनस बाहर आ गया। ऐसे लास्ट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, ये क्या हो गया बच्चों, आई कैप, ठीक है ना। अब हम सबका मान रखेंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, ठीक है ना, ओके। तो एक बार हम साइड में ये जो मान है उनको लिख लेते हैं, ताकि हम हमें इसको बार बार देखना नहीं पड़े। तो ओ ए बच्चों कितना है, 2 सेंटीमीटर, ओ ए आपका है 2 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, ए बी आपका है, ए बी भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी कितना है आपका, ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है, और ए डी कितना है, ए डी आपका है
कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस अब हमें और किसी मान की जरूरत नहीं, क्यों आपको पता है 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो Q को भी हम लिख देते हैं कि वी हैव Q इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम। क्लियर है बच्चों? ओके, तो लेट्स सॉल्व इट। तो बच्चों F A इज इक्वल टू, तो पहले जो कॉमन आ रहा है सो कॉमन ले लें हम। तो बच्चों आप देख रहे हैं सब में देखो के क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, और आई कैप भी कॉमन आ जाएगा। ओ ए स्क्वायर इसका मतलब, ओ ए स्क्वायर का मतलब है एक बटा, देखो 2 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर, 2 का कितना हो गया 4, लेकिन सेंटीमीटर है 10 की पावर कितने आएगी माइनस 2, स्क्वायर है तो माइनस 4। समझ गए ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि हम एम के एस में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 2 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, 4 गुना 10 की घात माइनस 4। समझ गए, तो ऐसे सारे मान रखेंगे, के क्यू स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है माइनस ए बी स्क्वायर, तो वही हो जाएगा 4 गुना 10 की घात माइनस 4, ठीक है ना। ये तो कट भी गया देखो, माइनस 1 अपॉन ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 6, तो 6 का तो हो गया 36 और 10 की पावर माइनस का 4, ऐसे ही 14, ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो माइनस का ये हो गया आपका 196, 14 का स्क्वायर 196 और सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 4, और ये हो गया बच्चों आई कैप, ठीक है, क्लियर है ना, समझ गए, क्लियर। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एफ ए इज इक्वल टू के, के का मान रखते हैं, के का मान आपको पता है 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू स्क्वायर, देखो बच्चों क्यू यहां लिख दो मैं, क्यू मेरे पास है 20 माइक्रो कूलम, यानी माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस 6 कूलम, ठीक है, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा क्यू स्क्वायर, तो 20 का हो गया 400 और 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा माइनस का 12, 400 गुणा 10 की पावर माइनस का 12, यानी कितना हो जाएगा ये कि 4 गुणा 2 पावर है, आप प्लस करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 10, माइनस 12 प्लस 2 तो माइनस 10 गुणा, तो ये वैल्यू होगी बेटा क्यू स्क्वायर की, किसकी वैल्यू हो गई ये क्यू स्क्वायर की। तो क्यू स्क्वायर का मतलब हो गया 4 गुणा 10 की घात माइनस 10, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर 4 गुणा 10 की घात माइनस 10। और देखो बच्चों ये तो देखो 1 अपॉन 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कैंसिल हो गया। अब यहां से भी आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना, माइनस को भी आप बाहर ले लें, और ये 1 बटा 36 गुणा 10 की पावर माइनस 4 और 1 बटा 196 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, तो यहां से बताओ क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो देखो एक तो हम यहां से 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ले लें, ये 10 की पावर माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, और बच्चों यहां पर देखो मैं लिख देता हूं सीधे 1 बटा 36 प्लस का 1 बटा 196, ये माइनस को मैं बाहर लिख रहा हूं माइनस आई कैप, ये किसको बताएगा डायरेक्शन को बताएगा, किसको बताएगा बच्चों डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो इसमें सॉल्व करें, ठीक है, और देखो यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं 36 196 में, तो देखो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये तो जाएगा 4 9 36 और ये हो जाएगा बच्चों 196 है, तो 4 6 16 बचेगा 3, 4 9 36, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो एफ ए की वैल्यू हमें मिलने वाली है, तो देखो 4 से 4 कट गया और ये 10 की पावर में हम इसको सॉल्व कर ले, देखो 9 माइनस 10 माइनस 1 होगा, ठीक है, 9 माइनस 10 माइनस 1 और नीचे माइनस 4 है तो ऊपर जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 4 तो प्लस 3,
ठीक है ना। और इसको हम सॉल्व करें तो 49 एलसीएम ले लें इसमें, 49 प्लस 9 बट 49 इंटू 9 और ये हो गया माइनस का आई कैप। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आप देख रहे थे 9 से 9 भी कट गया, तो हमारे पास यहाँ जो एफ ए की वैल्यू मिलती है, जो टोटल फोर्स हमें मिलेगा, 49 और 9 कितना हो गया 58। तो बच्चों 58 बटा 49 इंटू 10 की घात 3, 58 बटा 49 10 की घात 3, और ये डायरेक्शन बता रहा है माइनस आई कैप, मान किसमें आएगा न्यूटन में। ठीक है, 58 बटा 49 इंटू 10 की घात 3 और माइनस आई कैप, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा आंसर रहेगा, 58 में 49 का भाग भी दे सकते हो। तो लगभग अगर अपन वैल्यू निकालें इसकी तो एफ ए इज इक्वल टू, तो ये देखो एक बार जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, कितना बचेगा 9, ठीक है ना, फिर एक बार जाएगा ओके, तो लगभग 1.18 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस आई न्यूटन। तो ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1.18 इंटू 10 टू पावर 3 माइनस आई कैप। तो माइनस ये बता रहा है कि जो परिणामी बल लगेगा वो इतना लगेगा और माइनस एक्स दिशा में लगेगा, परिणामी बल की दिशा क्या होगी माइनस एक्स दिशा में, ठीक है, समझ गए। चलो आगे चले, तो इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो जो भी क्वेश्चन है वो अपने नोटबुक में आपको जरूर लिखना है, सॉल्व करना है पूरा ओके। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सजातीय आवेश Q1 और Q2 कैपिटल R दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, दो सजातीय आवेश Q1 और Q2, ठीक है, कैपिटल R दूरी पर स्थित है, क्लियर है, स्थित है मतलब स्थिर है, कैपिटल आर दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू दोनों आवेशों के मध्य उस जगह पर रखा गया है जहां पर दोनों आवेशों के कारण क्यू पर परिणामी वैद्युत बल शून्य प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, स्थित है, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, एक तीसरा, दो तो ये हो गए, तो कह रहे एक तीसरा आवेश क्यू, तीसरा आवेश क्यों दोनों आवेशों के मध्य है, तीसरा आवेश क्यों दोनों आवेशों के मध्य उस जगह रखा जाता है, दोनों आवेशों के मध्य उस जगह रखा जाता है जहां पर दोनों आवेशों के कारण Q पर परिणामी बल क्या हो शून्य प्राप्त होता है, रखा जाता है जहां, मैं सीधे लिख रहा हूं, Q पर परिणामी वैद्युत बल शून्य होता है, जहां स्मॉल Q पर जो परिणामी वैद्युत बल है वो क्या होता है शून्य होता है। तो कह रहे हैं तीसरे आवेश की स्थिति ज्ञात करो, इस तीसरे आवेश की क्या ज्ञात करो, स्थिति ज्ञात करो, ये आपसे पूछ रहा है, क्लियर। अभी ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, दो आवेश हैं एक जैसे स्मॉल Q1 और Q2 कैपिटल R दूरी पर रखे हुए हैं, तीसरा आवेश क्यू दोनों आवेशों के मध्य, कह रहा दोनों आवेशों के मध्य कहां
रखें, तो की स्थिति पूछ रहा है ना, कहां रखें कि वैद्युत बल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब बिल्कुल इसको हम देखो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास भाई एक आवेश है Q1 और सपोज करो दूसरा आवेश क्या है Q2, दोनों एक जैसे हैं, प्रकृति एक जैसी है। तो बच्चों दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कैपिटल R दिया हुआ है। दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, कैपिटल R। अब कह रहे हैं तीसरा आवेश क्यों दोनों आवेशों के बीच में कहां रखें, स्थिति पूछ रहे ना। तो अब ऐसा करते हैं कि तीसरा आवेश को मान लो मैंने यहां रख दिया, सपोज करो भाई यहां से लेकर यहां तक की दूरी मैंने क्या मान ली, डी। तो मैंने माना है स्मॉल क्यू को Q1 से स्मॉल डी दूरी पर रखने पर इस पर वैद्युत बल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर स्मॉल डी है तो Q2 के बीच की दूरी क्या होगी, बिल्कुल आपको पता होगा R-D। भाई ये स्मॉल डी है, टोटल कैपिटल आर है, तो ये कितना बचा, R-D। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई परिणामी बल जीरो, परिणामी बल जीरो हो जाए इस पर, तो ये हमें कंडीशन दे रखी है, गिवन हमें पता है। क्या गिवन हमारे पास, कि जो परिणामी वैद्युत बल है वो क्या हो जाए भाई, जीरो हो जाए। परिणामी वैद्युत बल क्या हो जाए, जीरो। तो चलो हम देखिए, देखो क्यू पर कौन कौन से फोर्स लगाएंगे, क्यू पर Q1 भी फोर्स लगाएगा, क्यू पर Q2 भी फोर्स लगाएगा। तो उसी डायरेक्शन देख ले हम, देखो क्यू पर Q1 जब फोर्स लगाएगा, क्यू पर Q1 फोर्स लगाएगा, तो क्यू इसके जैसा ही है, तो क्यू बताओ पास जाएगा दूर जाएगा, आप कहोगे सर दूर जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं कि ये भी Q1 हो गया, ये मान लो क्यू हो गया, और ये डिस्टेंस कितने होगा स्मॉल डी, तो क्यू पर Q1 फोर्स लगाएगा तो पास जाएगा दूर जाएगा, आप कहोगे सर दूर जाएगा, इसको मैंने मान लिया F1। ठीक है, ऐसे अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो मेरे पास ये है क्यू और ये आवेश है मेरे पास Q2 और दूरी कितनी है R-D। तो बच्चों इस क्यू पर ये Q2 के कारण बल लगेगा, तो बताओ पास जाएगा दूर जाएगा, बिल्कुल एक जैसा आवेश है तो दूर जाएगा यानी इस तरफ जाएगा। ठीक है, सीधी लाइन बिल्कुल। तो इससे मैं F2 मान लेता हूं। तो क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कुछ? तो आप देख रहे हैं कि F1 और F2 दोनों की दिशा विपरीत है। क्यू पर Q1 के कारण जो बल लग रहा है F1, क्यू पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है F2, इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो बताओ जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणाम ही जीरो कब होगा, जब परिमाण भी समान हो जाए। परिमाण भी क्या हो जाए बच्चों, समान हो जाए। तो एक F1 इधर लग रहा है, एक F2 इधर लग रहा है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, इन दोनों का मान बराबर हो जाए, तो परिणामी वैद्युत बल क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि परिणामी वैद्युत बल, परिणामी वैद्युत बल शून्य होने के लिए, परिणामी वैद्युत बल शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए, F1 बराबर क्या हो जाए भाई F2, दोनों के परिमाण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है ना, परिमाण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो चलो मुझे F1 का मान बताओ, F1 Q1 और Q के बीच जो d दूरी पर है तो कितना फोर्स लगेगा, आप कहोगे सर K Q Q1 अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू F2। बताओ इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, आप कहोगे सर K Q Q2 अपॉन, अब दूरी कितनी है R-D, तो हम R-D का स्क्वायर कर देंगे। हम किसका स्क्वायर कर देंगे, R-D का। ठीक है, तो देखो आप देख रहे हो कि कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि Q1 है। ठीक है, तो KQ से KQ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया Q1 अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन R-D का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके हमें मान किसका निकालना है, स्मॉल डी का। करो चलो, ठीक है, कर सकते हो सॉल्व। तो बच्चों आप देख रहे हो
हमें मान किसका निकालना है, डी का। तो मैं डी वाले पद एक तरफ ले लेता हूं, तो देखो यहां से आ जाएगा आपके पास आर माइनस डी अपॉन डी का होल स्क्वायर। आर माइनस डी का होल स्क्वायर ऊपर ले गया, ये डी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू टू अपॉन क्यू वन। क्लियर है? ओके, तो स्क्वायर को हटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, आर माइनस डी अपॉन डी इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन। ठीक है बच्चों, अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन। क्लियर है? और यहां पता है मान किस में आता है, प्लस माइनस में। देखो डी को मैं सेपरेट कर लू तो आर अपॉन डी माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन। ठीक है, माइनस वन को उधर ले जाए तो आर अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस माइनस अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन। क्लियर है? तो बिल्कुल यहां से हमें जो डी की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, उसको हम देख लें, डी। ठीक है, देखो यहां से बच्चों इसको हम थोड़ा व्युत्क्रम कर दें, डी अपॉन आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस माइनस अंडर रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन। तो बिल्कुल आपको दिख गया, अब ये आर ऊपर चला जाएगा तो डी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहां आर, तो डी इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन वन प्लस माइनस रूट क्यू टू अपॉन क्यू वन। तो ये हमारी दूरी होगी कि इतनी दूरी पर जब आप रखोगे तो उस स्मॉल क्यू वाले चार्ज पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।